एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए है और दूसरा जो है कॉलिंग वगैरह के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखलाने वाला हूं जो कि एक बोट का हेडफोन है जिसका मॉडल है बोट रॉकर जेड 450 प्रो। तो दोस्तों ये जो वेरिएंट है 450 प्रो ये मुझे काफ़ी कम में मिला बिलियन सेल के दौरान। ऐसे तो दोस्तों नॉर्मली 2000 में मिल जाता है और मैंने लिया कितना में है ये काफ़ी कम में लिया है। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि कितना में लिया है, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों ताकि आप लोग कन्फर्म हो जाएं कि ये लेने लायक है, मतलब आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो चलिए अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पैकेजिंग मिल जाएगा जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से है और मैंने ये बिलियन सेल में लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी सही मिला है और इस तरीके के बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाता है जो कि कार्टून में है और पैकेजिंग काफ़ी मुझे सही लगा है। तो फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं और दोस्तों मैं ये कब से लेने का ट्राई कर रहा था बट इसका प्राइस जो है 1999 से कम हो ही नहीं रहा था, बट ये बिलियन सेल में जो है मैंने इसका वेट किया जो बिलियन सेल में मैं इसे लूंगा। और बिलियन सेल का मैं इसलिए वेट कर रहा था दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये जो सेल लगने वाला था ये पावर्ड बाय बोट मैंने देख लिया था, इस कारण से मैं वेट कर रहा था कि बोट का प्रोडक्ट्स जो है जो मुझे लेना है उस पर जरूर दाम कम होने वाला है। तो मैं उसका वेट किया और दोस्तों वेट करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा डील भी मिला। इसका प्राइस जो है मैंने पहले ही मेंशन किया है आप लोगों को, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका प्राइस कितना में मैंने लिया है और काफ़ी तगड़ा डील था दोस्तों। उसके बाद मैंने इसे परचेज किया है तो जिस रेट पे मैंने प्रो वर्जन लिया है दोस्तों उस रेट में आप लोगों को नॉर्मल 450 भी नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का पैकेज था, इसे मैंने ओपन कर लिया है और आप लोगों को नीचे मिल जाएगा बोट की तरफ से एक बिल है, बिल को मैं साइड कर देता हूँ, बिल के बारे में बाद में बात कर लेंगे, बिल मैं आप लोगों को दिखला दूंगा। और अभी तो आप लोगों को मैं बॉक्स दिखलाता हूं, आप लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बॉक्स का रिव्यू करके दिखला देता हूं। दोस्तों कलर तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, ये अक्वा ब्लू मैंने वेरिएंट लिया है। दोस्तों ये मुझे कलर जो है यूनिक लगा और काफ़ी सही इसका कलर जो मुझे लग रहा था, इस कारण से मैंने इसे चूज किया। और आप लोगों को दोस्तों अपर साइड में दिख जाएगा रॉकर जेड 450 प्रो जो कि इसका मॉडल है, ऊपर में बोट का लोगो मिल जाएगा और कुछ मॉडल के फीचर्स हैं जो यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं। जो फीचर्स में से दोस्तों जो गौर करने वाला है यहाँ पे हाईलाइट्स है वो आप लोगों को सामने दिख जाएगा, बाकी मैं इसका अनबॉक्स करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसके डिटेल्स जिस कारण से मैंने इसे परचेज किया और मेरा क्या ओपिनियन है ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहले तो इसे ओपन कर लेते हैं। इसको पहले साइड रख रहा हूँ और देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिल जाता है एसोसीरीज में। और ये कुछ भी नहीं है, बॉक्स खाली है अब। और एक पाउच मिलेगा इसमें, पाउच में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। कुछ इस तरीके का पाउच मिल जाएगा। कुछ मैनुअल्स वगैरह है इसे मैं साइड कर रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पर वारंटी कार्ड दिख रहा है, आप लोग इसे फेंकना नहीं है, बाकी आप जो भी ये मैनुअल्स वगैरह है इसे आप लोग साइड कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये रहा आप लोगों का वारंटी कार्ड, ये आप लोगों को ध्यान से रखना है। यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी, तो इसे ध्यान से रखना है आप लोगों को। फोन के ऊपर में चिपका सकते हो, कहाँ पर चिपकाना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसका दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा एक ऑक्स केबल और दूसरा मिल जाएगा आप लोगों को एक हेडफोन चार्ज करने के लिए एक यूएसबी सी टाइप आप लोगों को वायर मिल जाएगा। तो इस केबल को भी चेक करके देख लेते हैं कितना बड़ा दिया गया है केबल और क्वालिटी कैसा है। तो दोस्तों आप लोगों को दिख जाएगा कि इसका लेंथ भी काफ़ी सही है, 1 मीटर के आसपास इसका केबल का लेंथ है सी टाइप का। क्वालिटी मुझे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सुपीरियर क्वालिटी दिया गया है, बट क्वालिटी दोस्तों हेडफोन के हिसाब से, मतलब कि जो प्राइस है और जो हेडफोन के हिसाब से दिया गया हेडफोन चार्ज करने के लिए वो इनफ है, काफ़ी सही क्वालिटी आप लोगों को केबल का भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसे भी मैं साइड कर लेता हूँ। उसके बाद एक ऑक्स केबल मिल जाएगा दोस्तों, इसका क्वालिटी मैं देख लेता हूं ओपन करके और इसका लेंथ भी देख लेते हैं चेक करके। लेंथ दोस्तों इसका 1.2 मीटर के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और इसका क्वालिटी जो है दोस्तों नॉर्मल ब्रांड से तो बेटर है, बट आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों बोट का ऑक्स केबल मैंने परचेज किया था 400 के आसपास में, जिसपे दोस्तों मेटल का कोटिंग देखने को मिला था, नेट की तरह था
वो एक मेटल टाइप का था, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था, वो आप लोगों को केवल देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। बट दोस्तों जो इसमें मिल रहा है, जो सबसे बड़ा चीज़ देखने के लिए मिलता है अभी के टाइम में, कोई भी दोस्तों इस रेंज में 5000 के अंदर में दोस्तों कोई भी हेडफोन में ऐसा नहीं है कि जिसमें ऑक्स केबल आप लोगों को देखने को मिल रहा हो ब्लूटूथ हेडफोन में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को चार्जर का वायर भी मैंने दिखला दिया जो सी टाइप है, काफ़ी ज़्यादा सही मुझे उसका भी वायर का क्वालिटी लगा, इसे मैं साइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप हेडफोन छोड़ के आप लोगों को एसेसरीज में यही सब मिल जाएगा। उसके दिए रहा हेडफोन दोस्तों, मैं इसे निकाल लेता हूँ। मैं आप लोगों को नज़दीक से इसका क्वालिटी दिखलाता हूँ। ऊपर में आप लोगों को दोस्तों ब्रांडिंग का लोगो भी मिल जाएगा बोट का। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि 450 में दोस्तों आप लोगों को ये जो कोटिंग देखने को मिल रहा होगा, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखलाने का ट्राई करता हूं। ये जो आप लोगों को फिनिशिंग देखने को मिल रहा है इस पे सिलिकॉन का कोटिंग किया गया है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है, जिस कारण से इस हेडफोन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है ये सिलिकॉन कोटिंग जो ऊपर से आप लोगों को दिख जाएगा। और कुशन्स की बात कर ले दोस्तों, तो कुशन जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिया गया है 450 के हिसाब से। 450 में जो है दोस्तों थोड़ा सा हार्ड है, जिसमें कि ईयर में आप लोगों को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ऐसे तो ईयर में इसमें भी दर्द होगा क्योंकि 40mm ड्राइवर है, यहीं पे आप लोगों दोस्तों अगर 50mm का ड्राइवर रहता तो ये आप लोगों को ईयर कम दर्द करता, बट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण दोस्तों ये अगर आप लोग 4-5 घंटे अगर कंटिन्यू इसे यूज कर रहे हैं तो ये आप लोगों का कान में दर्द होना स्टार्ट होगा। तो ये कौन से में से आ जाता है दोस्तों, मैं आगे भी बताऊँगा इसमें क्या क्या मुझे गड़बड़ लगा देखने के लिए। अगर मैं इस हेडबैंड को एक्सटेंड करने के लिए इसे देखूँ तो देख लेता हूँ कितना तक एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों देख लेना है कि मैक्सिमम ये इतना ही एक्सटेंड होगा। आई थिंक ये कितना भी बड़ा हेड का साइज हो ये इजीली फिट आ जाएगा और काफ़ी सही इसका दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि बोट के जो इस टाइप के मॉडल्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन ये है कि ये यहाँ पर टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है दोस्तों क्योंकि ये प्लास्टिक यूज किया रहता है, इसमें कोई मेटल वगैरह यूज नहीं किया रहता। बहुत सारा ब्रांड करता है क्या कि नॉर्मल प्लास्टिक रहता है, बट ये एक्सटेंड करने के लिए जिसमें दिया रहता है उसमें स्टील वगैरह कोई मेटल यूज कर देता है ताकि इसका लाइफ जो है थोड़ा लंबा हो जाए। क्योंकि नॉर्मली दोस्तों सभी लोग करते क्या इसे एक्सटेंड करने का ट्राई करते हैं या फिर एक्सटेंड करके यूज करते हैं और इसे नॉर्मल ऐसे करके रख देते हैं। वेरिएंट में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ये आगे की तरफ भी ये फोल्ड होता है, बट दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये आगे की तरफ फोल्ड नहीं होता है और आप लोग इसे करने का भी ट्राई नहीं करें, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे क्या कि हेडफोन को आप लोग तोड़ देंगे। तो ये मॉडल चेंज हुआ है, ये अपग्रेडेड मॉडल है, तो ये लेटेस्ट मॉडल में आप लोगों को ये आगे की तरफ ये बेंड नहीं होगा। बहुत सारे लोग करते क्या इसे मोड़ के जो ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोग ट्रैवल में यूज कर सकें, तो आप लोग वो नहीं कर सकते हैं, मॉडल चेंज हुआ है। आप लोगों को मैं क्लियरली दिखलाने का ट्राई कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस मॉडल में आप लोगों को सिर्फ देखने को दोस्तों मिलेगा, आप लोग इसे लेफ्ट राइट की तरफ रोटेट कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों अगर सामने की तरफ रोटेट करने का ट्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो बहुत लोग करते क्या उसी चक्कर में इसे तोड़ दे रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान से देख लेना है प्रोडक्ट को कि कैसे यूज करना है। तो नॉर्मली आप लोग अगर टेबल पर रख रहे हैं तो ये अच्छा मुझे लगा कि आप लोग जो सोनी की तरह आप लोगों को ये फीचर देखने को मिल जाएगा। आप लोग नॉर्मली आप लोग टेबल पर ऐसे रख सकते हैं, ये दिखने में काफ़ी कूल लगता है, ना कि ये देखने में ऐसे रखने में दोस्तों। इस पर अगर कुछ रख भी दे कोई या फिर ये गिर जाए तो ये टूटने का चांसेस रहता है, बट ऐसे में दोस्तों होता है क्या कि गिरने का चांसेस कम हो जाता है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि लेफ्ट तरफ जो है दोस्तों कोई भी की आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा लेफ्ट। तो इस तरफ से आप लोगों को कोई भी की देखने को नहीं मिलता है। तो राइट तरफ में आप लोगों को नीचे की अगर बात कर लें तो यहाँ पे आप लोगों को दो माइक देखने को मिल जाएगा, एक नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होता है और दूसरा माइक है आप लोगों को। और यहाँ पे एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाता है और दूसरा जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग के लिए दिख जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। उसका दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 3 बटन्स दिख जाएंगे, उस बटन का यूज क्या है। तो दोस्तों ये जो 3 बटन्स है ये मल्टी फंक्शनल कीज है, ये आप लोगों को वॉल्यूम प्लस करने के लिए है, ये वॉल्यूम माइनस करने के लिए है, और बीच में जो है दोस्तों आप लोगों को पॉज प्ले के लिए है, उसे अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये जो है दोस्तों पावर ऑन हो जाएगा। अगर इसे ऑफ करना चाहते हैं तो इसे लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये पावर ऑफ भी हो जाएगा। और ये बहुत सारा वर्क करता है, मल्टी फंक्शनल है। सॉन्ग वगैरह चेंज करने के लिए आप लोग इसे प्रेस करके रख सकते हैं, ये सॉन्ग वगैरह भी चेंज होता है प्लस वाले कीज से और माइनस वाले कीज से। तो इन चीज़ों में से दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा जो हाइलाइटेड लगा वो सी टाइप है दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइम में जो दोस्तों माइक्रो यूएसबी कोई भी यूज नहीं करता है। मेरे पास तो एक भी फ़ोन ऐसा नहीं है घर में जिसमें माइक्रो यूएसबी लगता हो,
बट अगर आप लोगों के पास ऐसा हेडफोन या फिर आप लोगों को नेक बैंड यूज करना पड़ रहा है जिसमें कि आप लोगों को यूएसबी दूसरा डाल के चार्ज करना पड़ रहा है तो काफी ज्यादा मुझे पर्सनली परेशानी लगता है, मैं तो यूज ना करना पसंद करूंगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं इसका बैटरी लाइफ के बारे में दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मेन हाईलाइटेड की फीचर्स में से है इसका बैटरी लाइफ के बारे में बताया गया है कि बैटरी लाइफ जो है दोस्तों 70 आवर्स है। 70 आवर्स दोस्तों कैसे है, अगर आप लोग 60% वॉल्यूम पे अगर यूज कर रहे हैं तो 70 आवर्स के आसपास ये क्लेम करता है कि ये चलता है। अगर दोस्तों अगर आप लोग इसे 80-90 या फिर 90-100 वॉल्यूम पे यूज करेंगे मतलब फुल वॉल्यूम पे तो ये मैक्सिमम आप लोगों को दोस्तों 30-32 आवर्स के आसपास चलेगा, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को टाइम दे रहा है यूज करने के लिए, जो कि काफी अच्छा हेडफोन साबित होता है बैटरी बैकअप के मामले में। अगर दोस्तों आप लोग इसे 10 मिनट भी चार्ज कर देते हैं तो 10 आवर्स का बैटरी बैकअप क्लेम करता है कंपनी। 10 दिन यूज करने के बाद ही डालूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली कोई भी एडवर्टाइज या फिर रिव्यू पे ट्रस्ट नहीं करता हूं, मैं खुद पर्सनली इसे यूज करके उसके बाद ही मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा। अगर दोस्तों आप लोग इसे चार्ज करने के टाइम के बारे में बात कर लें तो इसे चार्ज करने में 2-2.5 घंटा लगता है अगर 20 वाट का चार्जर से ऊपर है तो। और दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में बात कर लें तो इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट ब्लूटूथ है, जिसमें कि आप लोग गेमिंग वगैरह करते हैं तो लेटेंसी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, काफी सही ये वर्क कर जाएगा। और दोस्तों इसका बता दूं मैं जो रेंज होता है दोस्तों 10 मीटर के आसपास इसका रेंज हो जाएगा आप लोगों को, जिसमें कि वॉल्स जो है वो काउंट नहीं होगा। अगर बीच में दीवार है अगर 10 मीटर पे आप लोग चले जाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट होगा, अगर डिस्कनेक्ट ना भी हो तो आवाज जो है इंटरप्ट होके आएगा, क्लियर नहीं आएगा। और इसका बैटरी की बात कर ले दोस्तों तो इसका 730 एमएच के इसमें आप लोगों को बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसके बैटरी बैकअप के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि बैटरी बैकअप जो है दोस्तों इस रेंज क्या दोस्तों, मैं इसका अगर प्राइस रेंज जो है 5000 तक भी कर दूं तो 70 आवर्स का बैटरी बैकअप जो है कोई भी क्लेम करने वाला हेडफोन नहीं है या फिर कोई भी ब्रांड नहीं है। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में हल्का सा मुझे इसका ये प्लास्टिक जो यूज किया हुआ है यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए इसमें थोड़ा सा लगा, बट दोस्तों अगर बैटरी बैकअप को अगर आगे रखा जाए दोस्तों अगर फीचर्स को आगे रखा जाए तो आदमी ये चीज मैनेज कर सकता है। अगर आईपी रेटिंग की बात करूँ दोस्तों मतलब कि वाटर प्रूफ है या नहीं है या स्वेट प्रूफ है या नहीं है तो दोस्तों ये कहीं भी कन्फर्म करके नहीं बताया गया है, तो दोस्तों आप लोग ऐसा ट्राई ना करें कि आप लोगों का हेडफोन जो है खराब हो जाए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये गूगल असिस्टेंट और सीरी भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर फीचर और कॉन्स की बात कर लें तो फीचर तो काफी ज्यादा मैंने बतला दिया आप लोगों को, लगभग सारे फीचर्स अच्छे हैं बिल्ड क्वालिटी में, हल्का सा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कॉन्स में मैं इसे काउंट करूंगा, बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा लो है। बट दोस्तों इसका प्राइस मैं बता दूं कि मैंने लिया कितना है बिलियन सेल में दोस्तों, तो मैंने इसे 999 रुपये में लिया है मतलब कि 1000 में लिया है, और काफी ज्यादा लगभग एक महीने से मैं इसे लेने का ट्राई कर रहा था बट इसका रेट जो है दोस्तों 1999 से कम ही नहीं हो रहा था, तो मैंने बताया था बिलियन सेल जो लगने वाला था वो बोट की तरफ से पावर्ड था, तो मैंने वेट किया और मुझे ये 999 में मिल गया बिलियन सेल में। अगर सेकंड कॉन्स की बात कर ले दोस्तों तो अगर आप लोग इसे 2 घंटे से ज्यादा यूज कर रहे हैं कंटिन्यू तो मे बी न्यू में आप लोगों का कान दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक कि आप लोगों का आदत ना पड़े तब तक ये ईयर्स में पेन दे सकता है। और दोस्तों इसे यूज कैसे करना है तो आप लोगों को नॉर्मली करना क्या है, यहां से आप लोगों को ऐसे करके इस स्टिकर को निकाल लेना है, अगर आप लोग चाहो तो यहां पे आप लोग इजीली इसे पेस्ट कर सकते हो जो काफी कूल लुक देने वाला है, ये व्हाइट जो है ये हट जाएगा जो काफी सही लुक देगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इसे कॉलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें जो इनबिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है जो कि नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा जो दो माइक दिया गया है, दो होल है, एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए है और दूसरा जो है कॉलिंग वगैरह के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर फ्यूचर में अगर आपका बैटरी डेड हो जा रहा है तो आप लोग इसे ऑक्स से यूज कर सकते हैं हेडफोन को, और साउंड क्वालिटी अप्रोक्स में लगभग आप लोगों को बराबर ही मिलेगा। और दूसरा बात दोस्तों कि ये ऑक्स केबल पे भी आप लोगों को ये कॉलिंग में काम करता है इसका माइक्रोफोन। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर 100% या फिर 90% अगर आप लोग वॉल्यूम रख रहे हैं मतलब 90-100 तो दोस्तों आप लोगों को इसमें एक कॉन्स और देखने को मिल जाएगा कि इसमें साउंड लीकेज का प्रॉब्लम आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा फुल वॉल्यूम पे। अगर 60-70 तक यूज कर रहे हैं तो साउंड लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप लोगों को साउंड लीकेज थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देखा, अनबॉक्सिंग मैंने जितना भी डिटेल्स था प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा शेयर किया, और रहा बात ओपिनियन का दोस्तों ओपिनियन भी आप लोगों को पता चल गया होगा प्रोज कॉन्स देखने के बाद कि लाइक है या नहीं है मतलब कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। दोस्तों पर्सनली तो मुझे ये काफी अच्छा डील मिला मतलब कि 1000 में मिल गया 999 में, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट डील था और मुझे काफी टाइम से ये लेना था मॉडल दोस्तों, जो कि 2000 रुपये था, रेट कम नहीं हो रहा था, बट जैसे बिलियन सेल लगा मैंने इसे 1000 रुपये में बाय कर लिया। और दोस्तों अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करूंगा क्या इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगर फ्यूचर में और भी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं इस तरीके के तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक एट होम।